Come here. You need to hide, Dante. No matter what happens, you mustn't leave. I need to find Virgil. I promise I'll be back. I know this is hard. You must listen to me. Be a big boy. A man, huh? If I don't return, you must run. By yourself, alone. You must change your name. Forget your past and start a new life. As someone else. A new beginning. Virgil! Where are you, Virgil? For a second there, I thought you were gonna shish kebab me. I know how stubborn you can be. I thought it might be the only way to wake you. What day is it? The 15th of June. A month? No wonder I'm so stiff. Right, Sunshine. Now put a fire under it. We gotta get going because that annoying pimple Nero is making a beeline for Urizen, and if he gets there, he's gonna... Oh! Hey, this is my gig. Leave Nero out of this. If you could defeat Urizen, then I never would have dreamed of using that child. But Urizen is much stronger than we ever could have imagined. Stinks in here. I know. It smells like hot garbage. This is far worse than I thought. There's no crime in turning tail, V. These things might be a little too much for you. You're right. I'll leave the rest to you. What? Whoa, my, V. All the way down here in turning tail, really? One must always have an insurance policy. Who was that guy? Can't believe he just ran. No one special. Come on. Let's go clean up this garbage. First come, first serve on the targets, Rye. Music to my ears. Hurry up, Dante! Guess I get to see it with my own eyes. If it really is you. दोस्तों आप सभी का स्वागत है फालतू फोकट गेमर में और आप देख रहे हैं डेविल मे क्राई 5। तो इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई पिछले बार में। हम लोगों ने देखा कि वी जो है उसको डेविल स्वॉर्ड स्पार्टा मिल गया और फिर उसके बाद उसको उसके साथ साथ ये भी मिला, डांटे भी मिला। तो डांटे की वापसी हो गई है इस गेम में। और ये जो सीन है हम लोगों को शुरू में जो दिखाया कि जो एक बंदी रहती है वो छुपने के लिए बोलती है डांटे को, तो उसकी मम्मी रहती है और वर्जिल जो है वो भी गुम हो गया रहता है, किसी ने अटैक कर दिया रहता है इन लोग के घर के ऊपर। और ये सारी चीज़ें आपको मेरे ख्याल से डेविल मे क्राई जो अभी की वर्जन आई थी इससे पहले वाली, तो उसमें बताया गया काफ़ी कुछ डिटेल में, तो वो सारी चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद हम लोग फ्लैशबैक पे चले गए हैं ज्यूरिजन से पहली फ़ाइट होने से पहले, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो डांटे फाइनली लेके खेल रहे हैं हम लोग, यस। तो ये जब हम लोग यूरिजन के पास गए थे उसके 24 घंटे पहले का ही सीन है। ओ एक्स कलर, नाइस, ये लेते हैं भाई। तो देखते हैं, मुझे पता नहीं कि इसका गेम प्ले कैसा होगा, कस्टमाइजेशन में क्या दिया हुआ है। 77,000 ऑब्स हैं हमारे पास। ब्लू ऑब खरीद, ओह शिट, ब्लू ऑब पर्पल ऑब यही बस खरीद सकता हूँ मैं। तो
एक ब्लू ऑब लिया जाए मेरे ख्याल से काम आएगा. थोड़ा वेस्ट कर रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन ब्लू ऑब्स हमेशा लाइव जो है हमेशा काम आती है. बाकी कुछ नहीं है, अभी हम लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते इसके कॉम्बोज और वो सब, तो हम लोगों को बेसिक डांटे से ही खेलना पड़ेगा. देखते हैं कि ये जो डांटे है उसकी जर्नी कैसे स्टार्ट होती है. मैं तो एक्साइटेड हूँ. ओके तो मिशन स्टार्ट करते हैं फिर देखते हैं. तो हमारे पास कुछ कुछ चीज़ें दी हुई है और पहले से इबोनी एंड आइवरी दिया हुआ है जो कि हमारा हैंड गन है जो डांटी के पास शुरू से ही है. और मेरे ख्याल से एलेस्टर है उसका शॉट का नाम जो उसके बैक पे आप देख सकते हो. तो वो दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो शुरू से ही डेविल मे क्राय 1 के टाइम से डांटी के पास है. और ये लोग अलग ही निकल गए. लेडी और ट्रिश ये लोग का अलग ही चलते रहता है कुछ ना कुछ. ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लेडीज हैं इस उसमें. यू कैन क्विकली चेंज योर स्टाइल वेपन एट एनी टाइम. प्रेस L2 टू चेंज लॉन्ग रेंज वेपन, R2 टू चेंज क्लोज रेंज वेपन. ओके तो L2 और R2 से हम लोग चेंज कर सकते हैं. यू वॉन्ट टू यूज देयर ऑर्डर एंड कस्टमाइज. ओके तो ओके L2 से ये है. ओ भाई साहब, ओके ओ स्टिंगर, आई लाइक दिस, आई लव दिस. यहाँ कुछ सीन है नहीं, वापस नहीं जा सकते अब लोग. तो गाइस शुरुआत हो गई है डांटे सिंह पटेल की. नाइस, शॉटगन रखते हैं, शॉटगन पावरफुल है. म्यूजिक भी सुनो भाई. अरे लेडी सिंह पटेल है, मारेगी कि नहीं मारेगी इसको? नहीं मारेगी, चल मैं ही मार देता हूँ. कॉम्बो सेक्सी है. ओके वो स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं, अप डाउन ये से यूज स्टाइल एक्शन, यूज चेंज डांटे स्टाइल. नाइस, चेंज स्टाइल एक्शन. ये क्या दिया, ट्रिक्स्टर स्टाइल दैट इनेबल्स मूवमेंट. ओके सर्कल से, ओके सर्कल से हम लोग जैसे उसका डबल ट्रिगर यूज़ करते थे नीरो का, वैसे गेम बोर्ड फ्रीडम बैटर. ओके चेंज है पीछे सर्कल से गन स्लिंगर स्टाइल के लॉन्ग रेंज के लिए. नाइस, और शॉर्ट मास्टर पे रखना पड़ेगा लग रहा है अभी फिलहाल के लिए. क्लोज रेंज देखेंगे हम लोग सारी चीज़ें. कॉम्बोज के लिए रॉयल गार्ड, ये इंटरेस्टिंग है, ये मुझे याद नहीं आ रहा है. ओके ओके तो ये रॉयल गार्ड था. ओ ये रही ना बात. ओके नाइस, ओके ओ भाई ये तो अल्टीमेट है यार, बॉक्सिंग जो मारता है सीरियसली. मुझे थोड़ा सीखना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आगे गेम खेलते खेलते शायद अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी. देख रहे हो इफ्रीत, मेरे ख्याल से इफ्रीत वाले ही ये है. ओके तो वो बताता भी है 3-2-1 में हम लोगों का ये जो है गायब हो जाएगा. अच्छी बात है, मतलब अपने आप आग जल जाती है इसमें. होली शिट, डेविल ट्रिगर मैं यूज़ कर सकता हूँ क्या? प्रेस L1 टू एट L3 डिवेक्टेड इज फ्रॉम. ओके तो डबल ट्रिगर शायद हमें यूज़ करना पड़ेगा अभी. ये लोग तो क्या है, तो ये ओ माई गॉड. ओके
तो ज्यादा कॉम्बोस नहीं खुली हुई क्या? Oh my god. Oh, long range bhi use kar. Oh shit. Ye hui na baat. Holy shit, ये क्या था भाई, ये क्या था? Oh my god, ultimate Dante का तो, oh shit, V मेरा favorite हुआ करता था, अब लेकिन Dante is my favorite. तो style points हम लोग इस तरीके से बदल सकते, oh भाई साहब, sexy है. तो वो जो कर रहा था, मतलब गुलाटी मार रहा था, वो बहुत, oh statue सिंह पटेल, शायद मैं अपने आप को अपने पावर्स को मॉडिफाई कर सकता हूँ. ओहो स्पीड, ये तो अपन सीखेंगे. और क्या, एयर हाइक ये चाहिए मुझे, भले और कुछ ना मिले. और नीचे की चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं. तो रिबेलियन जो है अपना ये है. ओ स्टिंगर लर्न करना है मुझे बिल्कुल, क्योंकि लॉन्ग रेंज आप मिलियन स्टेप्स. ओहो आई नीड दिस. ओके तो मिलियन स्टेप्स, तो आफ्टर एक्सी एक मिनट, स्टिंगर का क्या था? फॉरवर्ड और ट्राइंगल था. देयर फॉरवर्ड एक्सिक्यूटिंग स्टिंगर रिलीज पीछे, अच्छा लेफ्ट ये रिलीज करके. ओके तो बाकी बहुत कुछ है इसमें खरीदने के लिए. कुछ सस्ता वाला है क्या भाई? नहीं है, नहीं है तो फिर नहीं है भाई. ओके गाइज, तो ये गेम जो है ए रैंक से डायरेक्ट एस रैंक में पहुंच गई है. मतलब मेरे लिए तो बहुत ही एक्साइटिंग हो गई, क्योंकि बहुत सारे कॉम्बोज जो है डांटे के साथ आपके खुल जाते हैं. लेट्स सी, यूरिजन के साथ भी शायद हमने पंगा लेना है बहुत. ये क्या आ रहा है? चक्री. ओह भाई, जूदा चाहिए ये करने के लिए. सॉरी, तो ये नए डीमंस हैं. नाम बता बेटा. केओस, केओस सिंह पटेल. ओके केओस, तो केओस को थोड़ा, ओ शिट, रिबेलियन पे चेंज करना पड़ेगा. ओ ओ ना 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 ना, ये मारेगा. आजा बेटा. ओ नहीं नहीं, इसको लगता है इफ्रीत से ही मारना पड़ेगा. ओ आइस और फायर दोनों चेंज कर सकता है ये. गन स्लिंगर. ओके ओके नाइस. ओह माय गॉड, छत साले. बहुत सारे एनिमीज आएंगे तो हमारे पास. ओके मैंने अपना डेविल ट्रिगर बंद किया, मैं नहीं चाहता था वेस्ट हो. तो रिबेलियन यूज करते हैं अपन थोड़ा. रिबेलियन है वो, एलेस्टर नहीं है. ओके तो यह बंद हो गया. इनका असर क्यों नहीं हो रहा?
लूटा उसका. ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह शिट, ये तो अल्टीमेट है यार. ओके तो ये एक रॉयल गार्ड था. सीख रहा हूँ भाई अभी काम बस. ओके ट्रिक्स्टर से हम लोग डैश कर सकते हैं. उधर का दरवाज़ा खुल गया. एक और दरवाज़ा था जो ब्लॉक हो रहा हुआ था. ये रहा ये रहा. थैंक यू वेरी वेरी मच. तो और कॉम्बोस नहीं खुले हैं अभी हमारे पास, इसलिए सस्ते वाले कॉम्बो से काम चलाना पड़ रहा है. ओ ये बंद हो गया. जाऊँ कहाँ से मैं? इधर रास्ता दिया हुआ है. ओके तो वहीं उसी जगह पे जा सकते हो आप. और यहाँ से तो मैं आया था. ये जूते चप्पल वाले जो है ना पावर बहुत सही है. मिलियन स्टैप्स ये अभी खरीदा आप लोगों ने, वो पावर मार रहा था मैं. ओके तो रेड क्वीन वीन तो हम लोग आसानी से निपटा सकते हैं. 13,000 पॉइंट्स है, डायरेक्ट 10,000 पॉइंट्स जो है हमारे बढ़ गए, तो अच्छी बात. नाइस वाह. यहाँ पे फिर वही केस है, अंदर जा सकता हूँ मैं? वो नहीं जा सकता मैं. इल्लू को निपटाना पड़ेगा जो भी आ रहे हैं उनको. ओह माय गॉड, यार एक ब्लॉक करने का टेक्निक है जिसमें उनको एक डैमेज होता है. यस ये रहा. अच्छा वो पावर नहीं मिला मुझे. ओ नहीं मैं ब्लॉक करने वाला पावर मारने वाला तुम्हारी तो. ये हुई ना बात, डबल ट्रिगर में आप बहुत कुछ कर सकते. ओ नहीं मुझे गन स्लिंगर थोड़ा यूज करना पड़ेगा. ओ भाई थोड़े ऑब्स भी मिल रहे हैं तो अच्छी बात है. अब थोड़ा यूज्ड टू हो रहा हूं मैं. यस
थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको यूज्ड होने में। ओके नाइस। ओह ये बंद हो रहा है, बंद हो रहा है, बंद धड़कने लग गया ये। चलो गए अपन। ओके ऊपर लिखा हुआ सी सॉर्ड, सॉर्ड मास्टर है ये। ओके सॉर्ड मास्टर, अच्छा है। अबे ओह अच्छा मैं, ओ शिट ब्लू ऑप थी यार यहाँ पे, मैं जा नहीं सकता वहाँ पे, यहाँ से तो मैं आया हूँ, यहाँ जाना पड़ेगा। ओ माय गॉड मैं देख ध्यान ही नहीं दिया मैंने, एयर हाइक भी लिया हुआ है अपन ने। ये बहुत सही लगता है। मेरे पास अभी कितना वो है, डबल ट्रिगर तो है लेकिन थोड़ा लिया जा सकता है। गनस्लिंगर अच्छा है, अगर लोगों को आप अपने पास से हटाना चाहते हो तो सर्कल प्रेस करोगे तो वो मारता है ननचक्स की तरह। ओके तो ये जो लेडी और ट्रिश है वो आगे बढ़ गए हैं बहुत दूर तक, अपने से भी तेज है। ओह कोई आया है क्या भाई? नहीं आया है, मत आओ भाई, अच्छा लगता है मुझे। ओ माय गॉड ओ भाई ओ भाई ओ भाई, हट साले। एक को तो धर दिया अपन ने। ये था कॉम्बो भाई। क्या ओ शिट पावर ही मारता है। मुझे समझ में नहीं आता क्या यूज करूं मैं, गनस्लिंगर ये वो दुनिया भर का। ओके तो एक और कॉम्बो सीखा मैंने। ओह नो ओह नहीं, ये कितना बचेंगे भाई तुम लोग? ये इरिटेटिंग है भाई तू। ओ अब ये भी चालू हो गया। ओ माय गॉड बस बहुत हो गया तुम्हारा। कबड्डी कबड्डी, नहीं 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 नहीं, नहीं। ओ भाई ये तो ओके नाइस, ये थोड़ा ट्रिकी था ये वाला पार्ट क्योंकि रॉयल गार्ड अभी मुझे यूज़ नहीं करना आता। जब रॉयल गार्ड यूज़ करते हो आप तो ये ब्लॉक करता है लेकिन जस्ट एनिमी अटैक के पहले ब्लॉक करना रहता है। क्या पता जो गेट होता है जिसमें आप ब्लॉक करते हो वो थोड़ा कम कर दिया टाइम। एक मिनट, हेल्थ, ओ हेल्थ की काफ़ी ज़रूरत है हम लोगों को। ये क्या है भाई यहाँ पे, क्या चमक रहा है? चमकीले चमकीले क्या है, पीले पीले बॉस फाइट। ओह आग वाले हैं यार, इनको कैसे निपटाया जाए?
हेलबैट ओके तो ये ओके तो इनको नीचे लाके गन स्लिंगर कहाँ है मेरा वो फूटेगा नहीं पीछे का ओ ये भी टूट गया और आ रहे हैं और वो वाली आ जाए वो बड़ा वाला मेंटिस आ गया ओके इनको थोड़ा जूता चप्पल खिलाया जाए बड़े वाले का क्या करे लाल लाल हो गया वो माय गॉड तो इसको पीछे से ही मारना पड़ेगा ये बहुत ज्यादा होशियार बन रहा है ओह हो हो ओ भाई धोबी बचा रही तो यहीं पे निपटाते कम से ऐसा लग रहा है नाइस बहुत घटिया रैंक मिलने वाला है इसका क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए वो क्या धबड़ धबड़ क्या हो रहा है ओ यहाँ पे हो रहा है धबड़ धबड़ कुछ अच्छा दे दे भाई फ्री वाला ऊपर जाने का है क्या हाँ ऊपर जाने के लिए लेवल डिजाइन काफी अच्छा है एक्चुअली देखो अरे नहीं यार सीक्रेट मिशन नहीं करना है एंड बैक हियर अगेन शिट दिस प्लेस इज कंफ्यूजिंग ओके तो मैं थोड़ा सा सीख रहा हूँ अभी क्योंकि कॉम्बोज जो है एंटायरली डिफरेंट है इसके ओह ऊपर जाना है मुझे तो ये वही वाला जगह है क्या जहाँ पे नहीं नहीं ये दूसरा जगह है अभी तक यूरिजन के पास नहीं पहुँचे अपन छोड़ तो नहीं रहा हूँ ना ब्लू और रेड और पर्पल और यहाँ क्या है यहाँ कुछ नहीं है ओ किसी का दांत है किसी का जबड़े के जैसा है ये तो ओ भाई साहब क्या घिन है ये घिनेश्वर घिना दो है पूरा ओके तो ये एक तरीके से प्लेटफॉर्मिंग सिंह पांडे है क्योंकि तो अपन नहीं कर पा रहे छी देख के घिन आ रही मुझे और ये ले लिया अपन ने वापस आ गया इधर ये ले लिया अपन ने ऊपर आ गया अभी यहाँ से देख लेते हैं कुछ ओ गोल्डन ओ नहीं 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 गोल्डन चाहिए मुझे बॉस फाइट में बहुत काम आता है थैंक यू वेरी वेरी मच काफी लंबा होने वाला है लग रहा है ये एपिसोड बहुत सारी स्टोरी भी थी ना शुरू में 5-10 मिनट के लिए 5 मिनट की स्टोरी थी कम से कम yeah, getting close. I can feel them. रिबेलियन के कॉम्बोज भी खोलने पड़ेंगे अपने को क्योंकि अपने अपना रिबेलियन जो है चलो रिबेलियन से मारते हैं Sword must.
मुझे करना पड़ा। ये बहुत सही लगा मुझे कॉम्बो। ओके इनके लिए ट्रिक्स्टर यूज करना पड़ा। विलियन स्टेप्स क्यों नहीं मार रहे तू? स्वॉर्ड मास्टर यूज करते हैं थोड़ा। इस भाई साहब को थोड़ी ज्यादा जल्दी है। ये क्या कर रहे हैं ये पर? इनको इनका गार्ड ब्रेक भी नहीं होता साला। ओके मेरे पास ज्यादा कॉम्बोज नहीं है। ओ माय गॉड आओ साले सब खाओ तुम लोग। लो बेटा ये हुई ना बात। ओह स्मोकिंग सेक्सी स्टाइल। एक ही बचा हुआ है इसको भी अपन उठाएंगे तो। यस नॉट बैड 3000 पॉइंट्स मिले अच्छी बात है। ओके गाइस थोड़ा सा मुझे इसका समझ में आया क्या अब हम लोग कुछ ले सकते हैं। काफ़ी लंबा एपिसोड है यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा लंबा चला जाएगा। ओके तो एबिलिटीज में क्या है अपने पास? ट्रिगर हाँ डिप्लीटर रिड्यूस रेट ये खरीदना पड़ेगा अपने को क्योंकि पावरफुल अपन तभी होते हैं जब अपने पास डेबल ट्रिगर गॉज होता है। बालरॉक हाँ बालरॉक नाम है। बैंटम्स रिवेंज व्हेन मूविंग लेफ्ट एंड राइट ड्यूरिंग वर्ल्ड प्रेस ट्रायंगल। ओह हो फ्लाइंग ड्रैगन ये चाहिए मुझे। क्या है ये? ओह हैवी जोल्ट फॉरवर्ड एंड ट्रायंगल ये चाहिए मुझे। अप ड्राफ्ट ऑयल ऑन ग्राउंड प्रेस R1 फॉरवर्ड ट्राइंगल लिया जा सकता है। ये वो नहीं है ना एबरी का? ओ चार शॉट हाँ मेरे पास पैसे नहीं है ये चाहिए था मुझे। ओ ट्रिक्स्टर के स्टाइल लेवल्स भी हम लोग और बढ़ा सकते हैं जिससे हम लोग ओ नाई ओ माय गॉड ये सब चीज़ मुझे खरीदनी है। मैं क्या क्या खरीद गया लेकिन जो भी खरीदा है वो काम आएगा हम लोगों को। तो अभी शायद यूरिजन के पास जा रहे हैं हम लोग क्योंकि शॉप दिया हुआ है तो फिर हमेशा डेविल फाइट बोल रहा हूँ हमेशा भी बॉस फाइट के आसपास ही वो हो रहता। तो गाइस थड़म थुड़म चालू है यार इधर क्या से और पीछे कुछ छोड़ा तो नहीं है मैंने। हेल्थ का क्या सीन है भाई अपना? डेविल ट्रिगर का क्या सीन है? मेरे ख्याल से खरीद लेना चाहिए मेरे पास 2000 है अभी तो एक कुछ तो खरीदना चाहिए मुझे जैसे कि स्वॉर्ड मास्टर हो गया उसका लेवल 2 करना वो सब देखते हैं अगर अलाउ करेगा तो। कितना था उनका? 4000 कम से कम अपन ये वो नहीं है ना इसका चार शॉट ले लेते हैं शॉटगन का ना। ये वेपन्स जो है वो देखने हैं मुझे एक बाइक वाला वेपन है वो मुझे यूज़ करना है लेकिन अभी शायद नहीं मिलेगा। जी जी इसमें हूँ मैं लॉर्ड मास्टर में एक मिनट
इधर कुछ दिया है क्या? रख तो रहा है ना, nothing, nothing official about it. Oh yeah, I'm feeling it. पहुंच गया गाइस. इसमें भी वही होगा क्योंकि ये पास्ट का है तो हम लोग हरा तो नहीं पाएंगे. ओ लेडी, ओ ट्रिश, टाइट टाइट चट्टी वाली. Well, well, O king of stench and filth, I'm impressed. Those are two of the most badass women in the world. And I only know one other guy who can defeat them. Jackpot. Confirmed, guys, ye Virgil. Dante. Aisa kaise ho gaya wo? Oh my god, epic boss battle जिसको मैं unepic तरीके से unepic करूँगा. Oh my god. Okay, चार shot तो अपना काम कर रहा है. Oh नहीं 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 तो जितना जितना देर हो सकता है चला लेते हैं. घंटा चलेगा ये. तो डांटे है यार, कुछ भी कहो डांटे में बोलता है. ओके, तो यहाँ तक की स्टोरी बताई हम लोगों को कि डांटे किस तरीके से पहुँचा यूरिजन तक और क्या पंगा हुआ था. मुझे बहुत घटिया रैंक मिलेगा, बी रैंक, नॉट बैड, दिस एंड ओवर. नई ट्रॉफी भी मिली है. तो गाइस बहुत बहुत धन्यवाद इस पार्ट को देखने के लिए. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आया होगा. डांटे का गेम प्ले जो है एक्सेप्शनल है, मतलब कि उसका कोई जवाब नहीं. जितना भी आप समझ लो नीरो का अच्छा है या वी का अच्छा है, लेकिन डांटे जो है बेस्ट है क्योंकि उसके पास चार अलग अलग स्टाइल्स होती है, गनस्लिंगर, ये वो. ओ भाई साहब मज़ा आ गया. अगले पार्ट में मुझे अपग्रेड भी करना है डांटे को और वो सारी चीज़ें करें. तो गाइज बहुत बहुत धन्यवाद ये पार्ट देखने के लिए. उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मज़ा आया हो, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया. और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मुझे हेल्प करना चाहते हो. तो भाइयों मिलेंगे आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.